आप देख रहे हैं नेशन लाइव। अलीगढ़ में बीते दिनों थाना गबाना क्षेत्र में हुई घटना को लेकर भारतीय खटिक समाज जागृति महासभा ने अपर नगर मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। बता दें इसके साथ ही उन्होंने उनके समाज पर लगातार हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की भी मांग की। बता दें कि कुछ दिनों पहले गांव के ही कुछ दबंगों ने दिव्यांग खुशवती और उसके परिजनों से घर में घुसकर मारपीट की थी और विकलांग महिला के साथ दुर्व्यवहार भी किया था। इसके साथ ही घर में जेसीबी चलाकर तोड़ फोड़ भी कर दी थी, लेकिन पुलिस ने जानकारी मिलने के बाद भी मामले पर कोई उचित कार्यवाही नहीं की, जिसके बाद पीड़ित परिवार एसएसपी दफ्तर पहुंचा, जहां एसएसपी से मुलाकात के बाद एसएसपी ने तुरंत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए। खुशवती, क्या घटना हुई थी आपके साथ? दबंग लोगों ने हम पर मारपीट कर दी है। कौन कौन लोग हैं जो मारपीट की है? वो टीटू, रमेश, कुलदीप, सबोध, अभिषण। मारपीट का क्या कारण था? कारण ये था, वो हमारी जमीन पर कब्जा लेना चाहते थे, तो वो हमारे घर पर चढ़ाई करके आए थे, तो उन्होंने आते ही मारपीट कर डाली। कह रहे थे खटिक लोगों तुम्हें गांव से उखाड़ देंगे, तुम्हारी जमीन मकान दुकान सारा तोड़ देंगे। पूरे मामले में आपने पुलिस कार्रवाई करने की कोशिश की? करी थी, हमने 100 नंबर की पुलिस बुलाई थी, वरना हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। तो पुलिस कार्रवाई के बाद क्या आपके क्या कुछ कार्रवाई हो पाई? कार्रवाई कुछ नहीं हो पाई। हमने यहाँ पे आए थे एटीएम के पास में और कप्तान साहब के पास में, वहाँ से हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, अलीगढ़ से सुनवाई हुई। कप्तान साहब के यहाँ से आपको क्या आश्वासन मिला? उन्होंने हमारी रिपोर्ट ली थी, उन्होंने ही हमारे पास में फिर डीएम साहब को भेजी। ये वीरेंद्र सूर्यवंशी जी हैं, इनके द्वारा ये दलित विकलांग महिला के साथ गांव के दबंगों द्वारा मारपीट और घर में तोड़फोड़ करने के संबंध में सभी उपस्थित लोगों ने ये ज्ञापन प्रस्तुत किया है। इसको ये माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, इसको हम भेज देंगे माननीय। सर, कृपया ज्ञापन में किस प्रकार की मांग रखी गई है? इन्होंने कहा है कि जो घटनाएं हुई हैं उसका संज्ञान लेके और कार्रवाई की जाए।